आता अभिमानानं बोला माझं सोलापूर न्यूज चॅनल. सावित्रीबाई फुले इंग्लिश मीडियम प्रायमरी स्कूल कॅम्प शाळेमध्ये 10वीच्या मुलांसाठी वर्ग सुरू करण्यासंबंधी पालकांनी मागणी केली आहे. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तस्लीम है, मेरा लड़का इधर 9वीं को है, तो इधर 9वीं और 10वीं क्लास दोनों भी आज स्कूल चालू है, तो 9वीं और 10वीं दोनों क्लास नहीं लेने वाले हैं, ऐसा टीचर ने बताया है. तो अब हम लोग किधर जाने का, इधर से एडमिशन चालू हो, स्कूल चालू हो गए और इन लोग बोल रहे हैं कि एडमिशन नहीं है इधर, और दूसरे स्कूल में एडमिशन आप लो. तो हम लोग इधर से किधर जाने का, हम लोग की इधर से ये नहीं है कि हम लोग डोनेशन भर के उधर से उधर नहीं क्या एडमिशन कर सके, ऐसा हम लोग की हैसियत भी नहीं है. हम लोग करके खाने वाले हैं, हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है. इधर फ्री है, सब फ्री है बोल के हम लोगों ने इधर स्कूल में डाले, और इन लोग अभी बता रहे जस्ट कि आज स्कूल स्टार्ट है, और आज से बता रहे हैं कि हम लोग नहीं ले सकते, आप दूसरी जगह एडमिशन लो. तो हम लोग क्या करें अभी इस वक्त, हमको ऊपर से परमिशन दो. हम लोग आपसे इजाजत लेना चाहते हैं कि इधर से 9वीं और 10वीं रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि 9वीं और 10वीं चालू करो. हम लोग के गौर गरीब का आप लोग ध्यान दो. हम लोग के लिए सोचो कुछ तो भी आप लोग. हम लोग के बच्चे कहाँ जाए, किधर जाए, अभी एडमिशन के लिए जाएंगे, पैसे लेके जाएंगे तो भी हम लोग को एडमिशन नहीं मिलने वाला बच्चों के. हम लोग बोला सर काय तुमचा प्रॉब्लेम आहे, तुमचं नाव सांगा. माझं नाव आरती सदानंद रेड्डी आहे, माझी मुलगी ह्या शाळेमध्ये शिकत आहे, सावित्रीबाई इंग्लिश मीडियम प्रायमरी स्कूलमध्ये. आता अचानकपणे टीचर सांगतात की आता म्हणजे वर्ग नाही आहेत, म्हणजे परमिशन नाही आहे वरून. मग परमिशन नसेल तर आम्ही अचानकपणे कुठे जाणार, काय करणार? आमच्या मुलांचं शिक्षण म्हणजे आम्ही असं सोडून द्यायचं का अर्धवट? आणि हे बघा, आम्ही अर्ज पण लिहिलेला आहे आणि सगळ्या पेरेंट्स लोकांनी साइन केलेला आहे. आता आमच्या ह्या 9वी 10वी चे वर्ग चालू करण्यासाठी मागणी द्यावी हीच आमची प्रशासनाकडे नम्र विनंती आहे, आमची कळकळीची विनंती आहे. कारण की आम्ही सगळेजण करून खाणारे लोक आहोत, जोपर्यंत आम्ही करणार नाही तोपर्यंत आम्ही खाऊ शकत नाही. हातावरचं पोट आहे ह्या लोकांचं, आणि अचानकपणे ह्यांनी असं सांगितल्यानंतर आम्ही कुठं ऍडमिशन घ्यावं, आमच्या मुलांचं भविष्य अशी म्हणजे. आता तुम्हाला हे केव्हा कळालं, केव्हा सांगितलं तुम्हाला की इथं ऍडमिशन आहे? याच्या आधी तुम्हाला कधी सांगितलं होतं? याच्या आधी काहीच कल्पना नाही, आजच सांगितलेलं. आता आम्ही कुठं जाणार सर, काय करावं हे सांगा बघू. मेरा लड़का जो है 10वीं में है फिलहाल, आधे तो मुझे शुरुआत में एडमिशन जो लिया मैं यहाँ पर जो सावित्री फुले प्राइमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है, तो 1वीं से लेकर 10वीं तक यहाँ पर बनती है स्कूल, आप आके एडमिशन करो ऐसा बोलकर आप ले को 8-9 साल से ऐसा बताते हुए चले हैं नो. तब मेरा लड़का भी 10वीं का भी होमवर्क के मैडम दिए तो करके लाए, तो अभी फिलहाल इन्होंने क्या बोले, अचानक अपने को बोल रहे हैं टीसी लेकर जाओ, 10वीं वर्ग बंद है, ऊपर अपने को अनुमति नहीं मिला, ऐसा कुछ बोल रहे हैं. तो भाई मैं आशा करता हूँ सर, सावित्री फुले इंग्लिश प्राइमरी स्कूल जो है हमेशा बने रहे, लाखों बच्चे इसमें आकर पढ़े. तो अभी जो अभी आज के फास्ट जनरेशन में जो है आप हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, जो हम रोज बेरोजगार हैं तो आप लोग सही तरीके से रोजी नहीं है. तो आप लोग गौर गरीब बच्चे लोग हमेशा इसमें आकर पढ़े हैं. मैं इतना दुआ करता हूं कि भाई अपने सावित्री फुले इंग्लिश प्राइमरी स्कूल जो है हमेशा के लिए बने रहे. ये अपने को महानगर पालिका अपील करते हैं कि सभी अपने जो पालिक लोग जो हैं निमंत्रण कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर 10वीं का वर्ग भी चालू रखें और हमेशा के लिए चालू रहे कर आप लिए दुआ करता हूँ. इतना ही बोल के धन्यवाद. माझं सोलापूर न्यूज चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. माझं सोलापूर न्यूज चॅनल.